वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में यूरिया साइकिल का डिटेल। इसके बाद जस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ यूरिया साइकिल आर इंटीग्रेटेड विद द टीसीए साइकिल, और थर्ड टॉपिक जो इसमें रहेगा उसको डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने चले, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपका जो भी कंसेप्ट होगा यूरिया साइकिल से 100% वेल क्लियर आपका हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यूरिया साइकिल की हम लोग बात करते हैं, तो यूरिया साइकिल रियल में क्या होते हैं, दिस द मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें हम लोग ट्रांसफर किसको करते हैं, नाइट्रोजन टू यूरिया फॉर एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। अभी पॉइंट जो है, यूरिया कैसे फॉर्म होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखें। तो यूरिया जो होता है, दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जैसे प्रोटीन की जो या अमीनो एसिड की जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन सोर्स जनरेट होते हैं, और नाइट्रोजन सोर्स ही क्या होते हैं आपके यूरिया में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मीनिंग क्या है, द नाइट्रोजन ऑफ अमीनो एसिड कन्वर्टेड टू अमोनिया इज टॉक्सिक। अब जो भी आपके हैं, जो नाइट्रोजन जो आपके अमोनिया के डिग्रेडेशन से मेटाबॉलिज्म से जो नाइट्रोजन फॉर्म हो रहा है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, अमोनिया में। और अमोनिया हम लोग जानते हैं हमारे बॉडी में क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, और यही अमोनिया क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपके यूरिया में। तो ये यूरिया जो होता है, इसमें जो कंटेंट होता है, यूरिया अकाउंट फॉर 80-90% ऑफ टोटल नाइट्रोजन। मतलब क्या है, इसमें हम यूरिया की बात करते हैं, 80-90% क्या पाया जाता है इसमें, नाइट्रोजन आपका पाया जाता है जो यूरिन के फॉर्म में क्या होता है आपका बॉडी से स्किट हो जाता है। तो यूरिया इज सिंथेसाइज इन लिवर एंड ट्रांसपोर्ट टू किडनी फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन, एक्सक्रीशन इन यूरिन। अब इसमें बात करते हैं, जो आपके अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से जो नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है, इसका जो है कन्वर्जन कहां पे हो जाता है, यूरिया का आपका किसमें, लीवर में। तो यूरिया इज सिंथेसाइज इन लीवर, मतलब लीवर में क्या होता है, सिंथेसिस होता है और ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है वाया किडनी थ्रू क्या है आपकी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो यूरिया साइकिल को हमने तो बोलते हैं क्या, यूरिया साइकिल द फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल दैट वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रैब एंड कोर्ट हेनसेलेट। ये आपके इन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कस किया था, नतनी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं कि क्रैब हेनसेलेट साइकिल बोला जाता है। इसका एक क्या है, बहुत ही बड़ा नाम होता है यूरिया साइकिल का। तो यूरिया इज फॉर्म इन द यूरिया साइकिल फ्रॉम द अमोनिया CO2 एंड नाइट्रोजन ऑफ द एस्पार्टेट। तो इसमें बोला गया जो यूरिया बनता है हमारे लीवर के अंदर जो बनता है, कैसे अमोनिया CO2 और एस्पार्टेट आपस में मिल जाते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं यूरिया लीवर में। ये आपका क्या है, यूरिया साइकिल है। पहले हम इसको पूरा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ पे देखा जाए ग्लूटामिक एसिड प्लस एसिड को जाए में आपके रिएक्ट हो जाते हैं, क्या बना देते हैं, एन एस्टिल ग्लूटामिक एसिड फॉर्म हो जाते हैं। अब इसमें देखा जाए, हम यहाँ की रिएक्शन की हम लोग बात करें वन बाय वन। अब देखा जाए यहाँ पे क्या है, अमोनिया जो ये अमीनो एसिड है वही मेटाबोलाइज होकर क्या फॉर्म कर दिया, अमोनिया। ये अमोनिया जो होता है, ये CO2 जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है बॉडी में, उससे क्या करता है, रिएक्ट करता है। जब ये दोनों रिएक्ट कर लेते हैं किसकी प्रेजेंस में, एनर्जी सोर्स 2 ATP यहाँ पे क्या हो रहा, कंज्यूम होता है, 2 ATP प्लस PI क्या होते हैं यहाँ पे फॉर्म होते हैं, और ये रिएक्ट होकर क्या फॉर्म कर देते हैं, कार्बोमिल फॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये कार्बोमिल फॉस्फेट, क्या है आपका स्ट्रक्चर आपका होता है। अब देखा जाए, अगेन हम लोग बात करते हैं, एक कार्बोमिल फॉस्फेट ऑर्निथिन से क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है किसकी प्रेजेंस में, ऑर्निथिन ट्रांस एमाइलेज। तो ट्रांस कार्बोमाइलेज ये क्या होता है, आपस में रिएक्ट होके माने एंजाइम की प्रेजेंस में क्या फॉर्म कर देगा, सेट्रुलिन। अब देखा जाए यहाँ पे हम एक बात करें, कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेज 1 ये आपका क्या है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो क्या करता है, आपको कार्बोमिल फॉस्फेट की सिंथेसिस करता है। जब कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेसाइज हो गया, देन ऑर्निथिन यहाँ पे होता है, ऑर्निथिन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर दिया, सेट्रुलिन। जब सेट्रुलिन यहाँ पे फॉर्म होता है, देन अगेन हम लोग क्या यहाँ पे यूज करते हैं, ATP 1 मॉलिक्यूल आप ATP यूज करते हैं, और AMP PI में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम आयन हम लोग यूज करते हैं। और देखा जाए यहाँ पे एस्पार्टेट है, ये एस्पार्टेट क्या होता है आपके सेट्रुलिन से रिएक्ट कर लेता है और क्या बना देता है, अर्जिनोसक्सिनेट। अब इसमें हम लोग बात करते हैं, तो देखा जाए ये जो कार्बन आपका मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, इससे रिएक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे देखा जाए क्या फॉर्म हो गया, अर्जिनोसक्सिनेट। ये अर्जिनोसक्सिनेट जो होता है 21
किसके थ्रू फॉर्म होता है, तो बोला गया एंजाइम का, क्या नाम है, अर्जिनो सक्सिनेस सिंथेटेज। अब देखा सिंथेटेज क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सोर्स आपका यूज किया। अब अगेन हम लोग बात करते हैं ए अर्जिनेज, अर्जिनो सक्सिनेट जो आपका कंपाउंड है ये क्या करता है, डिकम्पोज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, किसमें, आपका फ्यूरेट में। तो यहाँ पे देखा जाए कंपाउंड फॉर्म होता है, और देखा जाए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो होता है अर्जिनो सक्सिनेट लाइज। तो यहाँ पे देखा जाए इसकी प्रेजेंस में क्या है, जो अर्जिनो सक्सिनेट का जगह ब्रेक हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, अर्जिनिन। और यही अर्जिनिन जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑर्थोनिन में, इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनेज एंजाइम। जब अर्जिनिन को हम अर्जिनेज एंजाइम से ट्रीट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यूरिया, यूरिया का फॉर्म हो गया। और क्या होता है, ये हमारे लीवर फॉर्म होता है और आपके किडनी के थ्रू फिल्टर होकर क्या होता है, बॉडी से स्किट हो जाता है। तो ये देखा जाए यहाँ पे अर्जिनेज एंजाइम क्या होता है, आपके लीवर में पाए जाने के कारण क्या है, आपके जो यूरिया साइकिल होता है मेनली लीवर में ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंपाउंड होता है, ठीक। तो ये देखा जाए हम लोग इसको पूरा हम बोल सकते हैं क्या, यूरिया साइकिल। अगेन मैं बोल दे रहा हूँ इसको ब्रीफी में, अमोनिया होता है, अमोनिया CO2 से जेट करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल फास्फेट से क्या सिंथेसाइज कर देता है, कार्बोनिल फास्फेट। एक कार्बोनिल फास्फेट क्या होता है, ऑर्निथिन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सेट्रोलिन। और सेट्रोलिन जब एस्पार्टेट से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म कर देगा, अर्जिनो सक्सिनेट। अर्जिनो सक्सिनेट क्या हो जाएगा, अगेन आपके क्या है, अर्जिनो सक्सिनेट लाइएज की एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे देखा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अर्जिनिन, ए अर्जिनिन का अगेन क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाता है अर्जिनेज एंजाइम के थ्रू, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, ऑर्निथिन एंड यूरिया। यही यूरिया साइकिल की हम लोग बात करें, जो यूरिया की फॉर्मेशन की बात करें। उम्मीद करते हैं आपको वेल क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम लोग बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं, यूरिया साइकिल का होता है, यूरिया साइकिल साइटोसोल एंड माइटोकांड्रिया ऑफ द हेपेटोसाइट। मतलब हम लीवर की बात करते हैं तो कुछ पार्ट जो होते हैं साइटोसोल और माइटोकांड्रिया में ही क्या होते हैं आपके पाए। अब इसके वन बाय वन स्टेप हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें। तो पहला स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल फॉस्फेट। अब कार्बोनिल फॉस्फेट कैसे फॉर्म हुआ, तो हम लोगों ने बताया था कि जब अमोनिया आयन क्या होता है, रिएक्ट हो जाता है किससे, वाटर माने बाइकार्बोनेट से, CO2 मॉलिक्यूल के कंटेंट से, और तो यह का फॉर्म कर देगा आपको कार्बोनिल फॉस्फेट। किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिल फॉस्फेट सिंथेज 1। ये एंजाइम जो होता है एक कार्बोनिल फॉस्फेट के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब इसके जो कार्बोनिल फॉस्फेट बनता है अमोनिया प्लस CO2 के रिएक्शन से, तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है, तो बोला गया सर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया और 2 ATP क्या होते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, जो क्या करते हैं आपके कार्बोनिल फॉस्फेट की सिंथेसिस करते हैं। सेकंड जो होता है सिंथेसिस ऑफ सेट्रुलिन, सेट्रुलिन का फॉर्म होता है कार्बोनिल फॉस्फेट जो होता है ए फर्स्ट, कार्बोनिल फॉस्फेट जो होता है फर्स्ट स्टेप कंबाइन विद द ऑर्निथिन। अब देखा जाए ये कार्बोनिल फॉस्फेट किससे कंबाइन किया, ऑर्निथिन से, और क्या फॉर्म कर दिया सेट्रुलिन। किसकी प्रेजेंस में, सेट्रुलिन सिंथेज या ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एमाइलोज। तो ये एंजाइम बोल सकते हैं हम लोग। तो सेट्रुलिन सिंथेज की प्रेजेंस में क्या हुआ, आपके सेट्रुलिन की सिंथेसिस होता कैसे, जब कार्बोनिल फॉस्फेट ऑर्निथिन से कंबाइन कर लेगा। स्टेप थर्ड की हम लोग बात करते हैं, स्टेप थर्ड की हम लोग यहाँ पे बोले। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो होता है, सेट्रुलिन जो होता है ये परमेबल होता है किसमें, माइटोकांड्रिया, क्योंकि ये आपका क्या होता है साइटोप्लाज्म बनता है सेट्रुलिन, और डिफ्यूज होकर कहाँ चला जाता है, माइटोकांड्रिया। देन यहाँ पे क्या होता है सिंथेसिस ऑफ अर्जिनो सक्सिनेट, अर्जिनो सक्सिनेट की बात करते हैं इन द साइटोसोल सेट्रुलिन कंबाइंड विद द एमाइनो एसिड एस्पार्टेट। अब देखा जाए यहाँ पे सेट्रुलिन जो होता है साइटोसोल माने आपका अर्जिनो सक्सिनेट जो आपका है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मेशन में, तो सेट्रुलिन जो होता है कंबाइन कर लेता है किससे, एस्पार्टेट से। ये एस्पार्टेट से बाइंड हो जाता है, देन क्या फॉर्म कर देता है अर्जिनो सक्सिनेट। किसकी प्रेजेंस में, अर्जिनो सक्सिनेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करेगा, अर्जिनो सक्सिनेट फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होता है, ATP, ATP रिक्वायर्ड होता है, जो काउंट होता है किसमें, AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, 2 हाई एनर्जी बॉन्ड क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। और कोफैक्टर हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम आयन। इसका मतलब क्या है, अर्जिनो सक्सिनेट के सिंथेसिस में क्या होता है 1 ATP यहाँ यूज होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, AMP और PPI में, माने 2 हाई एनर्जी बॉन्ड में, और मैग्नीशियम आयन कैटलिस्ट क्या होता है यहाँ पे एज ए कोफैक्टर यूज होता है।
चौथे बात करते हैं क्लीवेज। अब देखा जाए अर्जिनो सक्सिनेट आपका बन गया, तो अर्जिनो सक्सिनेट क्या करेगा, इसको डिग्रेड कर देगा किसमें, अर्जिनिन और फ्यूमरेट में। यही फ्यूमरेट जो होता है वो टीसीए साइकिल में इंटर कर देता है, इतना तो क्या बोला जाता है, फ्यूमरेट जो होता है दिस इज नोन एज लिंकेज बिटवीन टीसीए साइकिल एंड यूरिया साइकिल, इसीलिए क्या बोलते हैं नोन एज करेक्ट बाई साइकिल के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं इसको जानते हैं। तो फ्यूमरेट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक कब बनता है फ्यूमरेट, जब अर्जिनो सक्सिनेट क्या होता है आपका डिग्रेड हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, अर्जिनो सक्सिनेज एंजाइम। स्टेप फाइव की हम लोग बात करते हैं, तो स्टेप फाइव में देखा जाए अर्जिनिन है, अर्जिनिन जब आपका ब्रेक हो जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है ऑर्निथिन, और यूरिया में क्या होता है आपका कन्वर्ट हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, अर्जिनेज एंजाइम। तो अर्जिनिन जो आपका होता है ये अर्जिनेज एंजाइम के थ्रू क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा और यूरिया में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्निथिन में। अर्जिनिन की हम लोग बात करते हैं सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, ये जो होता है हमारी बॉडी में क्या होता है सिंथेसाइज होते हैं, जो हमको बाहर लेने की जरूरत नहीं होती। अब ऑर्निथिन की बात करते हैं, ऑर्निथिन जो होता है ये फाइनल स्टेप का क्या होता है प्रोडक्ट होता है, जो अगेन क्या करता है कंबाइन कर लेता है क्या कार्बोमिल फॉस्फेट से, और क्या फॉर्म कर देता है अगेन यूरिया साइकिल में इंटर हो जाता है। तो अर्जिनेज की बात करते हैं, अर्जिनेज क्या होता है लीवर में क्या होता है पाया जाता है, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्या होते हैं रोल होते हैं। लेकिन ये पाया गया कि अर्जिनेज एंजाइम कुछ और पार्ट होते हैं जहां पाए जाते हैं जैसे टेस्टिस रिनल ट्यूब्यूल्स मेमोरी ग्लैंड एंड स्किन इन माइन्यूट क्वांटिटी, हमारे स्किन में भी क्या होता है माइन्यूट क्वांटिटी पाए जाते हैं, और ये इंटरमीडिएट अमाइनो एसिड जो होता है फाउंड होता है किसमें यूरिया साइकिल में, जो ऑर्निथिन सिट्रुलिन अर्जिनो सक्सिनेट इनको बोलते हैं नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड, और ऑर्निथिन सिट्रुलिन अर्जिनो सक्सिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड बोला जाता है, जो यूरिया साइकिल का क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्या होते हैं आपके प्रोडक्ट होते हैं। अब इसमें हम ओवरऑल यदि हम लोग बात करें यूरिया साइकिल का और उसके क्या एटीपी जनरेट होते हैं एनर्जी कैसे कंज्यूम होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है कि फाइंड द ओवरऑल रिएक्शन या वन स्टेप रिएक्शन ऑफ द यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल क्या होता है हम लोग बात करते हैं क्या होता है इरिवर्सिबल होता है, जिसमें 3 एटीपी क्या होते हैं कंज्यूम होते हैं, 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन का हम लोगों ने बात किया था कार्बोमिल फॉस्फेट की सिंथेसिस में 2 एटीपी, और 1 एएमपीआर की हम बात किया था 1 एटीपी की बात किया था कहां पे अर्जिनो सक्सिनेट के फॉर्मेशन में। तो टोटल की हम लोग बात करते हैं यहां पे देखा जाए आपके 3 एटीपी का क्या होता है आपका यूटिलाइजेशन आपका होता है ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके होते हैं। अब यहां पे 3 एटीपी क्या होता है एक्चुअल कंज्यूम होता है, जिसमें ए देखा जाए वन स्टेप रिएक्शन है अमोनिया प्लस CO2 प्लस एस्पार्टेट प्लस एनर्जी सोर्स ये आपस में रिएक्ट हो जाते हैं क्या फॉर्म कर देते हैं यूरिया और फ्यूमरेट प्लस 2 एडीपी प्लस 2 पीआई प्लस एएमपी प्लस पीपीआई, ये क्या होता है आपका कंपाउंड क्या होता है आपका फॉर्म हो जाता है, ये वन स्टेप क्या आपका रिएक्शन है। अब इसमें चीज हमने भी देखा है कि यूरिया साइकिल और टीसीए साइकिल का क्या हुआ आपस में कहीं ना कहीं लिंकेज है, तो हमने बोला सर फ्यूमरेट, फ्यूमरेट वहां पे एक कंपाउंड फॉर्म होता है जो कहां होता है यूरिया साइकिल से बनता है और कहां इंटर हो जाता है टीसीए साइकिल में। तो यूरिया साइकिल की हम लोग बात करते हैं इज लिंक्ड विद टीसीए साइकिल इन 3 डिफरेंट वे, थ्री डिफरेंट वे होते हैं जिसमें दिस इंटीग्रेटेड विद द बाई साइकिल इंटीग्रेशन, तो उसको क्या बोलते हैं बाई साइकिल इंटीग्रेशन बिटवीन द 2 साइकिल। तो 2 साइकिल जो होता है यूरिया साइकिल और टीसीए साइकिल क्या है आपस में लिंक हो गया इंटरेक्शन हो गया। अब कैसे होता है उसको हम लोग यहां पे फाइंड आउट करें, जैसे देखा जाए अमोनिया CO2 रिएक्ट हुआ कार्बोमिल फास्फेट बना सिट्रुलिन बना अर्जिनो सक्सिनेट अर्जिनिन यूरिया और ऑर्निथिन, ये आपकी क्या हो गए आपके हो गए। अब देखा जाए यहां पे जो एस्पार्टेट यूज होता है एस्पार्टेट क्या है ऑक्सलो एसिटेट का क्या पार्ट है ये कन्वर्ट हुआ इसमें और अर्जिनो सक्सिनेट बना दिया, अर्जिनो सक्सिनेट क्या हुआ फ्यूमरेट बना दिया और फ्यूमरेट कहां चला गया टीसीए से। तो देखा जाए ये आपके क्या है आपस में लिंक हो गया, हम यहाँ पे अभी इसकी हम बात नहीं करेंगे कितने एनर्जी सोर्स क्या कैसे फॉर्मर है उसकी हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात किसकी करेंगे लिंक कि कैसे आपका क्या है आपका यूरिया साइकिल और टीसीए साइकिल कैसे एक दूसरे लिंक है। तो ये देखा जाए यहाँ पे जो रेड कलर है ये चीज क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। अब इसी को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूमरेट इन यूरिया साइकिल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन पॉइंट विद द टीसीए साइकिल, जब अर्जिनो सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है लाइसिस के बाद तो यहाँ पे क्या होता है यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहां पे क्या होता है टीसीए साइकिल के साथ क्या होता है इंटीग्रेशन होते हैं।
तो फ्यूमरेट जो होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैलेट में, देन ऑक्सलो एसीटेट में। तो जब टीसी साइकिल की बात करते हैं, फ्यूमरेट क्या कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में, और देन हम लोग क्या करेंगे ऑक्सलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑक्सलो एसीटेट क्या हो जाएगा, अगेन ट्रांसमिट हो जाएगा किसमें, एस्पार्टेट में, और इंटर हो जाता है किसमें, यूरिया साइकिल में। देखिए ऑक्सलो एसीटेट बना, उसमें ट्रांसमिनेशन हो गया, एस्पार्टेट बन गया, एस्पार्टेट कहां चला गया, यूरिया साइकिल में चला गया, और क्या हुआ वहां पे क्या होता है कॉम्बिनेशन आपका हो जाता है। तो इट कंबाइन विद द सिट्रुलिन टू प्रोड्यूस अर्जिनोसक्सिनेट। ये एस्पार्टेट क्या करेगा, अर्जिनोसक्सिनेट से रिएक्ट कर, सॉरी सिट्रुलिन से रिएक्ट कर क्या बना दिया अर्जिनोसक्सिनेट। और यहां पे देखा जाए ऑक्सलो एसीटेट, यदि ऑक्सलो एसीटेट को हम लोग क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, तो भी मेटाबॉलिक इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है, विट कैन कंबाइन विद एस्टिल कोएंजाइम ए टू फॉर्म साइट्रेट एंड गेट फाइनली ऑक्सीडाइज। तो ये भी क्या करेगा आपको, ये भी क्या करेगा कंबाइन कर। तो ऑक्सलो एसीटेट कैन बी सर्व एज द प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सलो एसीटेट जो होता है प्रीकर्सर होता है किसका, आपके ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए भी। तो इसको क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में पूरा। अब यहाँ पे देखा जाए हम एटीपी की बात करते हैं, आपके टीसी साइकिल की बात करते हैं, तो एटीपी क्या होता है, जनरेट होता है आपका एटीपी, जिसमें 4 एटीपी कहाँ, माने आपके 3 एटीपी कहाँ चला जाता है आपका, यूरिया साइकिल में चला जाएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, ये आपका इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे होता है, जिसमें क्या होते हैं CO2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं वहां पे लिबरेट होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में जिसको हम लोग क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं किसमें, यूरिया साइकिल में। जो CO2 इलिमिनेट हो रहा है यूरिया साइकिल में क्या होता है वो यूटिलाइज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है पॉइंट्स है। अब इसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है, यूरिया साइकिल की हम लोग बात कर रहे हैं उसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं। जैसे देखा जाए कॉमन सिम्पटम होता है, जैसे हमारे बॉडी में यदि हाई प्रोटीन हमारे डाइट में हो जाए, तो उससे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा आपके बॉडी में ये अमोनिया का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, तो उससे कहीं ना कहीं आपके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या हो जाएंगे सिम्पटम होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपकी उमटिंग की बात करते हैं इन्फेंसी में, अवॉइड हाई प्रोटीन डाइट, कभी भी बहुत हाई ज्यादा प्रोटीन डाइट नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसका भी कहीं कहीं डिसऑर्डर आपका होता है। या हम लोग बात करते हैं आपके डिफरेंट प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, ट्रांजिशन भी हो सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका इसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं। अब कौन कौन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसकी यहाँ बात करें वो इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग बात करते हैं हाइपर अमोनीमिया टाइप 1। हाइपर अमोनीमिया टाइप 1 कब होता है, जब आपके बॉडी में कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेज 1 की क्या हो जाए डिफिशियंसी हो जाए, तुरंत डिजीज का जो जाएगा कौन, हाइपर अमोनीमिया टाइप 1। दूसरी की बात करते हैं हाइपर अमोनीमिया टाइप 2, ये कब होता है, जब आपके बॉडी में ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज की एंजाइम क्या है डिफिशियंसी हो जाता है, तो उस केस में क्या हो जाता है आपको हाइपर एमोनीमिया टाइप 2 आपको क्या होता है डिजीज हो जाता है, इसका आपके इफेक्ट होते हैं। सिट्रुलिनिया, अब ये देखा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको होता है सिट्रुलिनिया, ये भी क्या है डिजीज होता है, ये कब होता है जब आपके बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए क्या अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम का, यदि ये डिफिशियंट हो जाए तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा आपको डिजीज आपका हो जाएगा। इससे मोर सिट्रुलिन क्या हो जाएगा आपके यूरिन से क्या होता है सेक्रेशन चालू हो जाता है, कितना 1 to 2 ग्राम पर डे। अर्जिनोसक्सिनिक एसिडो यूरिया, अर्जिनोसक्सिनिक एसिडो यूरिया भी जो है ये आपका रेयर डिजीज होता है, ये कब होता है जब आपके बॉडी में क्या हो जाए एंजाइम अर्जिनोसक्सिनेज अर्जिनोसक्सिनेज की डिफिशियंसी हो जाए, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा आपको दिक्कत आना चाहिए डिजीज आपको हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपर अर्जिनीमिया, अर्जिनीमिया ये कब होता है जब आपकी बॉडी में अर्जिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाए, इससे क्या हो जाएगा अर्जिनिन का लेवल आपके बॉडी में बहुत हाई हो जाएगा, ये आपको डिजीज कॉज कर देगा कौन हाइपर अर्जिनीमिया, ये डिजीज क्या करेगा आपको कॉज कर देगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा, सर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सर आप लिखें, और यदि आपको लगता है कि आपको कुछ और वीडियो आपको चाहिए आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, तो आप हमको मैसेज सर करें, हम आपके लिए अवेलेबल हम उसको करा देंगे।
और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।